मौका हो गया कुछ, एक तो वहां तक घुसो अस्पताल में, पुलिस केस, फलाना केस, ये केस, वो केस, कैसे कैसे, बहुत देर बाद, डेढ़ दिन के बाद में आपको खटिया मिल जाता है। खटिया मिलने के बाद में डॉक्टर दो दिन बाद मिलता है, पेशेंट पड़ा हुआ और डॉक्टरों के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं पेशेंट को, गुम्बा टिप्पा का लुप्पा का जिप्पा का डिम्बा का झिपड़ा का चिप्पा लेजिंग चलता रहता है। वो पेशेंट भाई साहब दो दिन से परेशान हो बैठा हुआ पड़ा हुआ भाई, जो भी आ रहा ठोक बजा के जा रहा भाई, वो तबला पिटी है क्या, कोई दवा वाटे तो भाई को तक जो भी आ रहा ठोक बजा के जा रहा है। नहीं नहीं, हम लोग क्या स्टूडेंट्स है ना, और डॉक्टर साहब शाम को आएंगे हम लोग जरा, अरे डॉक्टर शाम पड़ गया तब लोग देख रहे हैं भाई, जो भी आ रहा दो दिन से बड़ा ठोक बजा के जा रहा है, तो बताओ तबला पिटी है क्या भाई, अरे एक स्टूडेंट ने कहा यार इसको आई थिंक बेटर टू गिव दैट इंजेक्शन फॉर पेन यू नो, या ओके विल गिव, या गिव नो प्रॉब्लम, आई थिंक दिस गुड गुड इंजेक्शन, ओके या ओके या 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 अच्छा देता है या दिस इज ओके ओके या 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 लाके इंजेक्शन देने लगा तो वार्ड बॉय है, ए पीला वाला मत दे लाल वाला दे मरेगा। शाम को डॉक्टर आते हैं, हेलो कैसा बाबा, क्या हाल है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, क्या तकलीफ है, सब ठीक, क्या हो रहा है, खांसी बंद हो गया ना, हाँ खांसी तो बंद हो गया, क्या हो रहा है, सांस में तकलीफ, बंद कर दूंगा। कुछ एडमिट पेशेंट्स होते हैं अजीब अजीब गरीब, कुछ आर्थोपेडिक वाले राइस में मार खा हुए कुछ पेशेंट्स होते हैं आर्थोपेडिक, उसमें सब टूटे फूटे रहते हैं, यहां एक खटिया यहां खटिया, बहुत सारे खटिया, इत्तेफाक से दो खटिया सामने, एक दूसरे को देख रहे हैं पेशेंट्स, वो उसको सब टूटे हुए, पूरा पूरा लॉस, टोटल लॉस, लटका बिटका के बहुत देर तक देखे कंटाल गए, ये क्या देख रहा है, ये तू क्या देख रहा है, शांतपति ने चले होशियारी मत करना, समझे क्या, पलस्तर खुलने दे तेरा थोबड़ा फोड़ता हूं, दूसरे ने कहा मैं तेरे को तो पलस्तर से देता हूं, इतने में तीसरा एक पेशेंट है, ये मेरा वार्ड है, नाटक नहीं मांगता, इधर 9 साल से इस वार्ड में हूं, 15 ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर लोग भी अपने को देख के भागता है क्या, इज्जत से सीधा होने का और निकल जाने का, अपना अपना इलाज करने का, वर्ड जाने का। उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कमजोर पेशेंट्स, उन्हें लगता है हम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, नर्स को बुला रहे हैं, उनको लगता है बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं जाती, वॉल्यूम नहीं हो जाता है बिकॉज ऑफ कमजोरी। एक पेशेंट चिल्ला रहा है, सिस्टर 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 सिस्टर, 2 बजे वो नॉवल पढ़ रही है केरला वाली अपनी, सिस्टर आवाज नहीं पहुंचती है, बाजू वाला पेशेंट, सिस्टर 12 नंबर बॉम्ब मारता है, सिस्टर आती है, क्या 12 नंबर तकलीफ देना मिलता है, तकलीफ होते हैं क्या प्रॉब्लम है तुमको, डॉक्टर तुमको दवा देगा इंजेक्शन मानते हैं तुमको, गोनी इनका गोले बनता है, पर क्या मांगता है बोलने के, मेरे को तुम बोलते नहीं, मेरे को देख के तुमको कभी कभी क्या हो जाता है, अटक जाते हैं बोलने के, इतने बीमारी में भी नर्स को देखते रहने के, अरे वो सिस्टर इसको डब्बा लाके दो, मेरे को मालूम है इधर हम तो नाक के बाल जल गए, इसको डब्बा, अच्छा कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में बोलना मतलब सिस्टर लगता है क्या बने के। रात के 2 बजे वो काम कर कर्मचारी को बोली, ये महेश इधर आओ, वो पत्ते खिल रहा, ये रानी भेगा मैं बोल, ए मैं से इधर आओ, इधर 12 नंबर के पेशेंट की तकलीफ है, देखो उसको डब्बा मांगता है, है? तुमको राजपाली में मवेश मिलता है क्या, ए तुम आके देखने का, देखता है तुमको भी और पेशेंट को भी, ए पेशेंट 12 नंबर तेरे को मालूम है ना मैं ड्यूटी पे है, तेरे को डब्बा मांगता ना, तेरे को डब्बा देता मैं, अब कुछ स्ट्रेचर लेकर के डेड बॉडी लेकर ले जाने के लिए आते हैं, टंग 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 टंग, कौन कह रहे 12 नंबर, ए चलो उठ, हाथ लगा चल,
साला क्या खाता था क्या मालूम। जा रहा है दूसरा एक वार्ड बाया। ए क्या है? डेड बॉडी है। अरे कितना डेड बॉडी लेके जा रहा है तेरे को? सुबह से देख रहा है डेड बॉडी लेके जा रहा है। आपका राज है क्या? अरे मरेगा तो लेके नहीं जाने का। अरे पर हिसाब है कि नहीं? ड्यूटी में एक ड्यूटी में कितना लेके जाने का मालूम है क्या? कानून। फिर क्या, कितना ले गया? मैं तीन बॉडी। फिर बस एक ड्यूटी में तीन बॉडी ज्यादा लेने का नहीं, डॉक्टर लोग को आदर लगाने का नहीं। फिर क्या करूं? छोड़ देना ऐसा का स्ट्रक्चर जा रहा है वो दीवार पर टकरा के पेशेंट उठ गया। एक तुम क्या किया? तुमको 15 नंबर बोला 12 नंबर लेके गया, वो तो बेहोश हो गया था। मुर्दे खाने में इसका क्लाइमेक्स देखिएगा, जहां मुर्दा घर होता है वहां पर थोड़ी सी बदबू आती है और पेशेंट बॉडी को पहचानने के लिए जाना पड़ता है। तो वहां जो काम करने वाले होते हैं जरा जरा मूड में रहते, क्योंकि इतनी बदबू में काम करना बेचारा, वो भी कुछ यमदूती बेचारा उधर के कुछ वाले की दुनिया के लगते हैं, जिंदा मुर्दा लगते वो है। मुर्दे का वारिस कौन है? डेड बॉडी पहचानने वाला कोई है क्या? जिसका मर गया वो भाई जो है वहां पर मेहमानों के सामने रो रहा है। ओ भाई साहब तुम है, आओ जरा डेड बॉडी पहचानो। अब वो आता है बड़ा दुख इमोशनली वो आता है बेचारा। जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है उसको बदबू आने लगती है। जरा पहचानो पहचानो, तुम्हारा भाई है ना, पहचानो। अब भाई यही है, चलो। अरे बराबर पहचानो, उधर से क्या बोलता है ये? बात नहीं करने का, बोलो ना। ये तुम्हारा चाय पानी जो ले लो, यही ये। अरे चाय पानी किसकी बात करता है तुम? तुम्हारा भाई है ना, उधर रोता था, इधर क्या है? बात आता है क्या भाई का? ज्यादा बात नहीं करने का, बोलो ना। ये तुम्हारा चाय पानी जो है मैं तुम दे दूंगा। अरे चलता तुम मेरा चाय पानी क्या करने का? भगवान की बहुत दुआ है, रोज का 50 बॉडी जाता, अपने को पैसे की कमी नहीं है। पर उधर साला इतना रोने का नाटक करता है, इधर भाषा आता है भाई का? अरे चल, अरे चलने ये मगन अपनी तो खोपड़ी जिस दिन फिर जावे ना, दुनिया में कोई प्यार मोहब्बत कुछ है नहीं, किसी पर किसी का कुछ विश्वास नहीं, कुछ पाने जितने मेरा दिमाग फिरेगा ना, ये मुर्दे लोग का पूरा नंबर है ना, बिल्ला हाथ का पूरा चेंज कर दूंगा। फिर देखना शंकर गड़ेगा, गफूर जलेगा। दोस्तों ये हालात होते हैं, लेकिन हम मैं ऐसे जैसे मान के साहब जो अस्पताल बना रहे हैं, उम्मीद है इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ये पहले होता था, लेकिन आज के हालात पर देखिएगा दोस्तों, आज क्या क्या हो रहा है टीवी पे देखते हैं, जो आज के हो रहा है बड़ा अजीब सा लगता है। बीच में हमारा कुछ कोई किधर घुस रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पता ना, टिपक टुपक टुपक हो रहा है। बीच में हमारा एक फ्लैट लेके चले गए थे कांधार, काठमांडू से दुबई ने पबई ने ला और इन्हें काठमांडू कांधार में 8 दिन तक हमारे पैसेंजर्स 160 पैसेंजर 8 दिन तक वहां लगे हुए थे। कितनी तकलीफ हुई, उनके रिश्तेदार लोग परेशान थे 8 दिन तक। दिल्ली में तो पीएम का गेट वेट भी तोड़ दिए थे। पीएम साहब अभी सरकार का जिम्मेदारी बनती है, उनको भी कुछ काम होता है, बातचीत करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है, लेकिन रिश्तेदार लोग परेशान थे। छोड़ो हमारे आदमी को, 4 दिन हो गए पता नहीं क्या, छोड़ो हमारे आदमी को। अरे भाई शांति रखो, हम नेगोशिएट कर रहे हैं, कितना बातचीत कर रहे हैं, हमारे लोग वापस हुए, उनको छुड़ाइए। लगे छुड़ाओ 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 छुड़ाओ, और टेररिस्ट के डिमांड से 33 टेररिस्ट को छोड़ दो और $200 मिलियन दो, ये सब चल रहा था। एक देशभक्त बंगाली दादा वो पहुंच गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सलाम मत छोड़ो, हम बोलेगा किसी को मत छोड़ो, हम बोलेगा देश का हालत खराब कर दिया, नाम खराब कर दिया सलाम दुनिया का दर, किसी को मत छोड़ो, हम बोलेगा 33 टेररिस्ट को छोड़ो, भाग कर आ जाए, $200 मिलियन किधर से देगा, बात मत करो, नहीं छोड़ने का किसी को। अरे शांति रखो दादा, आप देशभक्त हैं ठीक है, लेकिन 160 पैसेंजर हमारे वहां फंसे हुए। अरे छोड़ो यार, 160 पैसेंजर के लिए 100 करोड़ लोगों का दिल नाराज करेगा, मत छोड़ो किसी को, हम बोलेगा। आज हमारा देश में सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता चाहिए, मत छोड़ो किसी को, हम बोलता है। अरे भाई साहब उनके पास हथियार है, उनको मारेंगे। अरे मारना दो, अरे प्लेन उड़ा देंगे। अरे उड़ाना दो, नहीं उड़ाएगा तुम लोग, छोड़ो किसी को, हम बात करेगा। अरे शांति रखो भाई, आपके फैमिली का एक भी आदमी उसके अंदर होता तो ऐसी बात नहीं करते। क्या बात करता है, एक आदमी का बात करता है, हमारा फैमिली का उसमें 2 आदमी है, हम बोलता उड़ाओ। आपकी फैमिली का 2 आदमी कौन है? मेरी औरत और मेरी सास, उड़ाओ।